लिए, नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए इनके प्रयत्न रहते हैं। एक मुख्यमंत्री होकर नक्सलवाद पर किस प्रकार से विजय पाई जाए या नक्सलवाद को खत्म किया जाए, ये ना कह करके उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और बढ़ावा ये कह करके दिया जा रहा है कि जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, देश की संस्कृति के लिए काम करते हैं, आज अगर भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है, अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है, अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है, अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है, और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। इनको ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि जरा अपने प्रदेश में, अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहाँ इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण हैं और जनता वहाँ की त्रस्त है। इतने वहाँ भ्रष्टाचार, इतना अनाचार हो रहा है और ये मूक बने बैठे हैं, ये जरा अपने घर में झांक लें। तो मुझे लगता है कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई पीढ़ियाँ, कई इनको जन्म लग जाएंगे, परंतु ये आरएसएस को तब भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, उनके अंदर वो भाव ही नहीं है। जब देखो तब किसी ना किसी पे, अगर कांग्रेस वही है, ये वही कांग्रेस है कि जब किसी आतंकवादी को कोई मारता है तो ये कांग्रेसी उनके यहाँ धन देने चले जाते हैं, संवेदना प्रकट करने चले जाते हैं। और जो आक्रमण हुआ था बाटला हाउस में, जो हुआ था, उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उस समय रोई थी। ये आतंकवादियों पर रोने, उनके मरने पर रोने वाली कांग्रेस पार्टी, ये कभी भी देशभक्तों की पार्टी हो ही नहीं सकती और कभी भी देशभक्ति की बात कर ही नहीं सकती। आरएसएस से इनको इसलिए परेशानी है क्योंकि वो पूरा मतांतरण नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो अपना आतंकवाद नहीं फैला पा रहे हैं। अगर कोई अंकुश लगाता है तो आरएसएस कोई सत्ता नहीं कर रही है, आरएसएस की सत्ता नहीं है, परंतु आरएसएस घर घर में, जन जन में, देशभक्त के मन में व्याप्त है, इसलिए आरएसएस से ये परेशान है। और मुझे लगता है आरएसएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वालों पर, और मैं उन्हें सचेत करना चाहूंगी कि अपने घर में निहार लें, उसके बाद कहीं बाहर देखने का प्रयास करें और राष्ट्रभक्तों को जानने का। कल जिस प्रकार से नंदी की सांडों की जो नसबंदी की जा रही थी और उसका आदेश मुझे देखने में आया, मैंने तुरंत उस पर कार्यवाही की और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, माननीय पशुपालन मंत्री जी को अवगत कराया, और आज वो आदेश निरस्त हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई आंतरिक षड्यंत्र है और इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देशी गौवंश को तो कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हुआ ये जांच का विषय तो है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच करने के लिए आग्रह करूंगी कि जांच करवाइए और ऐसा कब से, क्यों और किस लिए हो रहा है। ये जो देशी गौवंश है इसके साथ इतना अत्याचार क्यों, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभयारण्य खोले हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने गौशालाएं खुलवाई हैं, एक विभाग ही गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। पर जो कुछ भी है, मैं आग्रह करूंगी कि इस विषय की जांच की जाए और ऐसे आदेश दोबारा कभी ना हो, ये मैं उनसे कहूँगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।